दोस्तों एक इंतेहाई सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ये तो मतलब लेकिन माफिया का भी माफिया होता है ना ये तो बड़ा वाला माफिया आई मीन दिस इज एन इंटेलिजेंट दिस इज इंफॉर्मेशन वॉफे ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केलिस्टिक एंड प्रोफेशनल कसम से कसम से आई मीन क्रेडिट इज ड्यू काम सुथरा किया अब इसको टैकल करने के लिए जो कैपेसिटी हमें चाहिए आई थिंक हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो जो स्ट्रक्चर है और हम काम चलाते हैं ब्यूरोक्रेट से हम काम चलाते हैं शायद अफसरान से वो मे बी वेरी गुड एट द जॉब लेकिन ये जो वॉरफेयर है और ये जो बैटल ग्राउंड है शायद वो उनकी समझ में नहीं आती और मैं माजर के साथ अनफॉर्चुनेटली यहां पर पाकिस्तान में जब हम फिफ्थ जनरेशनल वॉर के हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं ये वही प्रोपगेंडा है जो सदियों से चलता आ रहा है इज नथिंग न्यू इन इट लेकिन हम महदूद हो जाते हैं कि जी हैश टैग चला दिया हम महदूद हो जाते हैं कि जी ये एक ट्रेंड चला दिया शायद डोमेस्टिक ऑडियंस में ये माल बिक जाता है लेकिन फॉरेन में नहीं बिकता सो माय क्वेश्चन इज के कोई uh, सोच है इस पे पर के एक केडर ऑफ प्रोफेशनल्स को रखा जाए जो इसी स्केल अगर स्केल पर नहीं तो कम अज कम इस मोड ऑफ इंफॉर्मेशन में रिस्पॉन्ड uh, कर सके दो बातें एक तो पहले देखिए माफिया की सोच और माफिया के लेवल पे आना ना तो हमारा हदफ है ना हम चाहते हैं आप एक ऐसी रियासत की बात कर रहे हैं जिसको वस्ती दुनिया में नेचुरल एलाई और पार्टनर और डेमोक्रेसी की बातें मैं सुनता था अमरीका में बैठ के और ये उनकी हरकत और ये उनकी औकात और असलियत है सो so, इन्होंने तो अपना डायस्पोरा अपने वहां बैठे हुए डॉक्टर और इंजीनियर और पार्लियामेंटेरियन इन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा वो लोग अब जेल में जाएंगे जब ये खुलेगा ये पाकिस्तान की बात तो नहीं है हिंदुस्तान की नहीं है यू में आपका ख्याल है कि ये जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है वो बचेंगे तो देखिए हम किसी के किसी को किसी का बुरा बला नहीं चाहते हम वो काम करेंगे जो इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है जो एक कर सकती है अगर उसमें ये है कि कुछ चीजें हमारी रीत से बाहर हो जाएंगी क्योंकि वो गैर कानूनी है तो वो होंगी लेकिन हम कानून तोड़ने वाले नहीं है ये रोक स्टेट का काम है इंटरनेशनल मीडिया में इसकी कवरेज हुई है गार्डियन में बीबीसी में, uh, so so रहा जितना मचता अगर ये किसी और ने किया होता अगर हमने किया होता और ये चीज़ एक्सपोज होती तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो साउथ एशियन एनालिस्ट जिनकी अभी एक या दो ट्वीट्स आई हैं कि जी बहुत बुरी बात है अभी तक कोई पचास कॉलम्स तो सब ने लिख ही लिए होते गैरी मशाडो साहब जो हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ई यू डिसिनफो लैब उनके उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि जी यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को टारगेट किया गया बल्कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया ये जिन एन की मैं बात कर रहा हूँ जिन फेक एन को इनको बकायदा यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पर भी टाइम दिया गया ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी प्रोपागेंडा है वो उस लेवल पर उस फोरम पर भी सक्सेसफुली स्प्रेड कर सके जब गैरी मशारो साहब से पूछा गया कि जी ये जो रिएक्शन आया है ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा ना यू से ना यूरोपियन यूनियन से तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की और बड़ी क्लियरली ये बात की कहा कि ये शायद इसलिए है और शायद नहीं इसीलिए है कि ये नेटवर्क इंडिया चला रहा था और उसके बाद उन्होंने खुद ही कह दिया कि फर्ज करें कि ये ऑपरेशन चीन या रूस चला रहा होता तो दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया होता अभी तक अभी हर वेस्टर्न न्यूज चैनल की ये टॉप स्टोरी होती और शायद सेंक्शन भी लग गए होते अच्छा जहा तक जो मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जिनको आ, इसके थ्रू अप्रोच किया गया अच्छा ये जो यूरोपियन क्रॉनिकल नाम की आ, जो आ, एक पब्लिकेशन है जो फेक बनाई गई है आ, उसको ज्यादातर यूज किया जा रहा है और इतनी सक्सेसफुली यूज किया गया है कि कम अज कम पिछले छह माह में सिर्फ ग्यारह यूरोपियन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने उस मैगजीन के लिए ओपिनियन कॉलम्स भी लिखे गए लिखे हैं जब एक पार्लियामेंटेरियन से पूछा गया बीबीसी ने ही पूछा कि जी क्या आपको पता था उसने कहा कि अगर ये भारत भी चला रहा है तो मुझे क्या मैं तो वैसे भी मोदी गवर्नमेंट का सपोर्टर हूं